नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मैं हूँ शेफ गिरीश दुबे। आज की रेसिपी लेकर आया हूँ, बड़े कमाल की रेसिपी है। तो आप लोग बताएंगे करेला भुर्जी। हाँ जी, जैसे हम करेले की भुर्जी बनाएंगे बिल्कुल भी कड़वी नहीं होगी। तो चलिए, हम करेले को काट लिया है और इसको हम बताते हैं कैसे इसको हमें करना है। तो ये करेला लिया है, जो भी आपके पास करेला है आप ले लें। उसको हम इस तरीके से इसको बीच में से फाड़ लिया है और इसके बीजे हटा देंगे करेला भुर्जी बनाने के लिए। और आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल भी आपके करेले की जो सब्जी बना रहे हैं वो कड़वी नहीं होगी। तो ये देखिए, इसके सारे बीजे इस तरीके से हटा देंगे, उसके बाद बताएंगे इसकी हम भुर्जी कैसे बना सकते हैं। तो इसको ये दो तरीके हैं भुर्जी बनाने के। एक तो आप ग्रेट करके बना सकते हैं, दूसरा आप इसको फाइन चॉप करके बना सकते हैं। ये हम ग्रेट करके दिखा रहे हैं आप लोगों के लिए। ये देखिए, तो ये ग्रेट करके दिखा रहे हैं। चाहो तो आप अगर फाइन चॉप कर सकते हो तो फाइन चॉपिंग करके भी बना सकते हो भुर्जी। हाँ, तो इसको बारीक बारीक काट के भी बना सकते हो और ग्रेटर से कर सकते हो, ग्रेटर से कर लें। तो आप जैसे चाहो वैसे आप इसको कर सकते हैं। ये हमने काट रहे हैं, इसको ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद में इसका हम इसमें नमक और डालेंगे और एक चीज और डालते हैं, तो इसके में क्या होगा, कड़वापन पूरा खत्म हो जाएगा। तो नमक डाल देते हैं। नमक क्या करता है कि इसको पानी को छोड़ने के लिए मजबूर कर देगा। हाँ जी, नमक डालते ही पानी छोड़ने लगता है। तो नमक डाला हमने, तो नमक डाल, ये हमने इसमें नमक डाल देंगे, एक चम्मच डाला है। और एक केले करेले जो हमारे 500 ग्राम के आसपास हैं, और इसमें अब भी हम डाल देते हैं लेमन। तो 100% लेमन, और जब नमक जाएगा तो इसको पूरा अपना जो कड़वापन है पूरा छोड़ना ही होगा, और आपका फिर बनाना तो मजबूर हो जाएगा। तो उसका जूस है छोड़ने के लिए, बस 5-7 मिनट में भी ये पूरा जूस जो है वो छोड़ देगा, निकल जाएगा इसका। तो इसको हम नहीं छोड़ लेंगे, और चाहो तो आप 15-20 मिनट छोड़ दें। ये देखिए, थोड़ा सा इसमें लेमन भी छोड़ दिया, और इसको मिक्स कर देते हैं और इसको रख देते 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद इसको 5-7 मिनट या 15 मिनट के लिए भी छोड़ सकते हो। और ये हो गया है, इस तरीके से हमने मिक्स कर लिया था, ये देखिए। और इसको हम नहीं छोड़ देते हैं, छोड़ेंगे तो इसका जितना जूस है वो निकल जाएगा, कड़वापन इसका खत्म हो जाएगा। ये जूस है इसी में कड़वापन आता है, तो ये पूरा इसका निकल जाएगा। तो करेले की सब्जी आपकी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। जिसने कभी करेला खाता ही नहीं है वो भी खाएगा और उसको भी पता नहीं चलेगा करेला खा रहा हूँ। ये देखिए, इस तरीके से पूरा जूस निकल गया है। चाहे तो पी लो, बट इसमें नमक और लेमन है तो पीने में तो अच्छा लगेगा। नमक की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और ये हमने उबलते हुए पानी में डाला, बस थोड़ी देर पकाना है, उसके बाद इसको निकाल लेना है। ये छान देंगे, ये देखिए, ये बस 1 मिनट पकाना है। 1 मिनट के बाद इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे, और ये हमने छान लेते हैं। छानने के बाद इसको ठंडा होने दें, पूरा पानी छट जाएगा। चाहो तो इसको एक बार और निचोड़ सकते हैं जब ठंडा हो जाए तो, और नहीं तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है इसको। अगर आप चाहो तो निचोड़ भी सकते हैं, इसका पानी जितना होगा वो छट जाएगा। ये देखिए, इसमें हमने डाला जीरा 1 टीस्पून, गार्लिक 1 टीस्पून, 4-5 कली कटी हुई। भुर्जी बनाने के लिए, और ये ऑनियन डाली, ऑनियन डालेंगे हम करीब 1 ऑनियन डाल देंगे पूरी फाइन चॉप। प्याज 100 ग्राम के आसपास ऑनियन डाली फाइन चॉप, ये देखिए। और बस इसको पका लेना है, हल्का सा ब्राउन होने देना है। तो खाने में बहुत प्यारा लगता है, मज़ा आता है ये सब्जी। मैं करेला इतना लाइक नहीं करता, बट अब हमने ग्रीन चिली डालेंगे, हल्का से ब्राउन हो गया, लेकिन हमें बहुत अच्छा खाने में लगा। कि मैं इससे भरमा करेला खा लेता था कभी कभी, वैसे कटे हुए करेले बनाते तो मैं नहीं खाता हूँ, भरमा करेला खाता था। बट ये भुर्जी खाई तो मेरे को पता नहीं चल रहा था कि मैं करेले की भुर्जी खा रहा हूँ। और जो करेला रखा था ये डाल दिया हमने, ये देखिए करेला डाल दिया, और बस हमारी प्याज ब्राउन हो गई है, करेला डाल दिया। अब इसमें बस मसाले डाल देंगे, जो भी इंडियन मसाले हमारे, और फिर देखना करेला। बहुत ही सिंपल बनाना है,
बस कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। थोड़ी बहुत मेहनत है, सामने की मेहनत है, स्टार्टिंग की, लास्ट में कुछ भी नहीं है। इसमें हल्दी डाली हमने हाफ टी स्पून, ये देखिए हाफ टी स्पून हल्दी डाल दी। रेड चिली पाउडर डालेंगे, रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून, आप स्पाइसी खाते तो ज्यादा डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून डाला है रेड चिली पाउडर, उसके बाद इसमें हमने डाला ये हल्का सा गरम मसाला, किचन किंग मसाला 1/4 टी स्पून का हाफ हाफ डाला दोनों चीज, ये देखिए। और ये डाला हमने चाट मसाला, चाट मसाला डाला, ये देखिए। आप चाहो तो इसमें अमचूर पाउडर डाल सकते हो चाट मसाले की जगह पे। और ये देखिए, ये हमारा करेले की भुर्जी रेडी है। और इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं, बहुत ही प्यारी लगती खाने में। थोड़ा सा चाहो तो आप लेमन भी इसमें निचोड़ सकते हो और हरा धनिया। बस ये हमारा करेला भुर्जी रेडी। और लास्ट में हमने डाल दिया ये नमक, नमक के बगैर तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो नमक डालना मत भूलना, नमक स्वाद अनुसार डालना है। तो नमक नहीं डालेंगे तो खाने में तो मज़ा नहीं आएगा ना, तो नमक तो डालना पड़ेगा। तो नमक डालना है स्वाद अनुसार। और ये लास्ट में डाला हमने लेमन, लेमन से हल्का सा खट्टापन और आ जाएगा। वैसे हमने चाट मसाला डाला है, अगर लेमन नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, ये देखिए। और ये हमारे करेले की जो भुर्जी है ये रेडी हो गई है। ये किसी को भी खिला देना, जो कड़वा हुआ बिल्कुल भी करेला नहीं खाता वो भी खा लेगा, और ये भी नहीं पता चलेगा कि क्या खा रहा हूँ। और ये हमने डाला है धनिया। बस इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। और ये हमारा रेडी है। तो बस ये देखिए भुर्जी रेडी हो गई है। बस हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोग अपडेट मिल जाएगा। आप लोग लिंक दे दूँगा शेवबाजी की 5 प्रकार की ग्रेवी, एलो ग्रेवी, चौमासाला, पंजाबी ग्रेवी, पंजाबी मखनी ग्रेवी, जरूर देख लेना, बहुत ही गजब की रेसिपी। और आप लोगों लिंक मिल जाएगी इसमें, हमने बनाना और इसमें चीकू मास्टमेलन सभी के वीडियो बताए हैं पकाने वाले, तो आप लोग जाकर चेक कर लेना। और आप लोगों इसमें उसकी भी लिंक मिल जाएगी हमारे फूड गेमिंग पे, जिसमें हमने आंवले का मुरब्बा डाला है, बहुत ही गजब की रेसिपी है, उसकी लिंक दे दूंगा, जाकर चेक कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद। इस तरीके से आप लोग बनाएं खाएं और फिर बताएं कि आप लोगों को करेल की सब्जी हमारी कैसी लगी, अच्छी लगी। तो लाइक कमेंट और शेयर तो बनता है तो ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो हम लाइव करते हैं, क्योंकि टिप्स पे शेफ दुबे के फ्रेश गार्डनिंग टिप्स पे, तो आकर वहाँ पे आप लोग अपने पूछ सकते हैं कोई भी चीज़ के बारे में। तो थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।